सत्य नारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्य नारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। सूत मिले महर्षि सूत बड़े थे भक्तों वेदों के ज्ञाता। पूछता जो कोई प्रश्न उनसे हल भी मिल जाता। सोन का ऋषियों की ये हुई जानने की इच्छा। संसारिक और सुख समृद्धि का उपाय है क्या? ऐसा उपाय है ऋषिवर कुछ हमको मानो लक्ष्य को पाए। महर्षि सूत सोन का दीर्घ को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण समझाया। सत्यनारायण व्रत का जो मानो करता है पालन, क्लेश मुक्त रहता है मुनिवर उसका तो जीवन। लोक और परलोक सुधर दोनों ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। विधि है क्या और व्रत करने से भगवान कैसा फल मिलता? श्री हरि नारद मुनि को लगे हैं ये कहने। पूर्ण श्रद्धा भाव करके व्यक्ति अपने मन में कर स्नान आदि, श्री हरि का ध्यान लगाना चाहिए। निराहार रहे पूरे दिन ना कुछ भी खाना जाए। चौकी बिछाई पूरी
पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है तुझा। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है तुझा। पाल कभी कर ले ध्यान, सीता राम और लक्ष्मण की फिर पूजा करनी चाहिए, राधा रानी श्री कृष्णा का फिर तो ध्यान लगाइए, मात लक्ष्मी शिव शंकर और ब्रह्मा को ध्याए, करके आरती सब देवों की पंचामृत चढ़ाए, दान दक्षिणा दे सबको जो पंडित आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। उसके उपरांत फिर व्रती को भोजन करना चाहिए, संध्या समय में हरि भजन और कीर्तन करना चाहिए, सत्य आचरण करना ही इस व्रत का है आधार, श्री हरि नारायण करते अपनी कृपा अपार, शोक और दुख से मुक्ति भी भक्तों को मिलती, अनहोनी विपदा भी उन भक्तों की है टलती, भाई बंधुओं सहित हरि का करना चाहिए पूजन, मोह माया के टलते हैं फिर भक्तों के बंधन, पूजा विधि के बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य रूप में हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। धर जाए रमणीय काशी में रहता था एक निर्धन ब्राह्मण, व्याकुल भूख प्यास से होके भटकता था प्रतिदिन, एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश फिर श्री हरि ने बनाए, बनकर बुढ़े ब्राह्मण श्री हरि उसके सम्मुख आए, बोला निर्धन ब्राह्मण के मैं अति दरिद्र अपना फिरता दर दर हूँ, श्री हरि फिर उस ब्राह्मण से ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा।
कभी पर्याप्त मिले भोजन। इतना कहकर श्री हरि तो हो गए अंतर ध्यान। बूढ़ा ब्राह्मण कहाँ गया यह ना वो पाया जान। लगा सोचने व्रत की कल से कर दूं शुभ शुरुआत। इन्हीं विचारों में गुजरी है उस ब्राह्मण की रात। भिक्षा मांगने गया तो उसको मिला खूब अनधन। सत्यनारायण व्रत का फिर वो करने लगा पालन। अनधन के भंडार फिर उसके भर जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। व्रत में बढ़ती जाए। एक कथा और ऋषियों को वो लगे सुनाने हैं। उल्का मुख राजा की कहानी लगे बताने हैं। उल्का मुख नामक राजा था बड़ा ही बुद्धिमान। श्री हरि विष्णु की भक्ति में रहता था ध्यान। पतिव्रता उसकी पत्नी थी उसका साथ निभाए। भद्रशिला नदी के तट पे दोनों हैं आए। सत्यनारायण व्रत वही करने लग जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। झुकाया उल्का मुख से साधु ने यह जान न चाहा है। करते व्रत कौन सा किसका ध्यान लगाया है। उल्का मुख फिर साधु को ये करने लगे बखान। सत्यनारायण व्रत का हम तो करते अनुष्ठान। सुनकर बोला साधु के मुझ ना संतान हुई। जो इच्छा मेरी पूरी हुई फिर तो साधु अपने घर को चले ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। अपनी पत्नी को आकर फिर साधु ने बतलाया। सत्यनारायण व्रत का मैं तो निश्चय करके आया। फिर तो साधु की पत्नी की हो गई गोद भराई। एक सुंदर सी कन्या फिर तो साधु के घर आई। उसकी पत्नी बोली
जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा, श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। है किया अपने ही दामाद के संचल करने को व्यापार, सत्यनारायण व्रत का लेकिन आया नहीं विचार, बहुत सधन एकत्रित दोनों ने मिलकर है किया, एक नदी के तट पे फिर दोनों गए हैं आ। चंद्र के तू नामक राजा था उस नगरी का धन उनका चुरा के भागा, सैनिक साधु और दामाद को पकड़ हिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चोर राजा के धन को ले जा नहीं सका, साधु और दामाद जहाँ थे वहीं पे छोड़ दिया, सोचा सैनिकों ने के चोरी इन्होंने की होगी, क्योंकि धन के पास में सोए थे ये दोनों भी, पकड़ के सैनिक राजसभा में उनको ले आ, कर राजन है लाए, सारा ही धन चंद्र के तूने उनका ले लिया है, चोर समझ के कारागार में बंद कर दिया है, जो गलती की ना थी उसकी सजा वो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा, श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। है ना सोच रही क्या पड़ा जरूरी इन दोनों को काम, बीत गए कई वर्ष लौट कर अब तक ना आए, जैसे जैसे दिन बीते उसका तो जी घबराए, श्री हरि विष्णु से उसने फिर की है विनती, सत्यनारायण व्रत करूं जो पति, श्री हरि फिर चंद्र केतु के सपने में आए, सारी बातें चंद्र केतु को दी है बतलाए, साधु और दामाद को चंद्र केतु बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप।
सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। सत्यनारायण व्रत सभी करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। करते हैं भव सागर से शीघ्र भक्तों वो तो उतरते हैं, पूर्ण होती है भक्तों की सारी मनोकामना, विधि विधान से जो करते हैं भक्तों इसकी साधना, अति शीघ्र पापों से मुक्ति देने वाला है, आई हुई बला को भी भक्तों की टाला चरणों में, राजस ठकुराल भी लगा रहता सत्कर्मों में, फौजी सुरेश और डीएस पाल भी यही चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते।